तुझे दूल्हा किसने बनाया भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया भूतनी के, ओ भूतनी के, ओ भूतनी के, तुझे दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। आज आखिरकार हमारे एक और भूत दोस्त की शादी हो रही है, वो भी इतनी बस्तूरत चुड़ैल से। बड़ी किस्मत वालों को मिलती है इतनी बस्तूरत चुड़ैल। तुम पांचों को भी इतनी ही बदसूरत और खूंखार चुड़ैल मिल सकती है अगर तुम पांचों शादी के लिए हाँ कर दो तो। अरे माँ, आपने फिर हम पांचों भाइयों की शादी की बात करना शुरू कर दी। अरे हम पांचों को शादी करके अपनी अपनी पत्नियों के हाथों मरना थोड़ी ना है। अरे मैं तो भूल गया था कि हम पांचों जिंदा कौन से हैं, हम तो पैदाशी भूत हैं। भूत उज्जवल की यह बात सुनकर के उसके चारों भूत भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही बारात आखिरकार मंडप तक पहुंच जाती है। चुड़ैल और भूत की उनकी काली रस्मों के हिसाब से शादी हो रही होती है। इधर यह पांचों भूत भाई शादी के लजीज पकवानों जैसे बिल्ली की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा और चमगादड़ की गर्मा गर्म खीर का मजा ले रहे होते हैं कि तभी उन पांचों की नजर इस शादी में आई पांच चुड़ैल बहनों पर जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी, खूंखार और बदसूरत होती है। हमारी इस भूतिया दुनिया में इतनी बदसूरत चुड़ैल भी थी, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आज हमारी माँ हमारी शादी की बात कर रही थी और हमें अपने सपनों की राजकुमारी आखिरकार मिल ही गई। पांचों भूत भाई अपनी चुड़ैल माँ को अपनी पसंद की चुड़ैल लड़कियों के बारे में बताते हैं। चलो आखिरकार तुम पांचों के अंदर का शादी करने का कीड़ा तो जागा। मैं कल ही इन चुड़ैलों की माता पिताओं से बात कर तुम पांचों भाइयों का रिश्ता इन चुड़ैलों से तय कर दूंगी। शालिनी अगले दिन होते ही पांचों चुड़ैल बहनों के घर जाती है और उनके चुड़ैल भूत माता पिता से बात करके अपने पांचों भूत बेटों का रिश्ता उससे तय कर देती है। कुछ महीनों में शालिनी के पांचों बेटों की उनकी पसंद की गई चुड़ैल लड़कियों से शादी भी हो जाती है। शालिनी अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं को लेकर घर पर आ जाती है। शालिनी का खंडर घर एक डरावने जंगल में था। इस जंगल के पीछे बने कूली लावा की पहाड़ी में एक विस्फोट होता है जिसके चलते कूली लावा उनके खंडर तक पहुँच जाता है और उनका पूरा का पूरा खंडर जलकर राख हो जाता है। हे मेरे शैतान, यह क्या हो गया? हमारा खंडर घर जलकर राख हो गया, अब हम क्या करेंगे? खंडर घर जल जाने की वजह से अब शालिनी अपने पांच भूत बेटों और चुड़ैल बहुओं को लेकर जंगल के और अंदर जाने लगती है कि तभी शालिनी को एक मुंडी कटी चुड़ैल मिलती है। उस चुड़ैल की मुंडी उसके शरीर से अलग उसके हाथों में होती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहीं रुक जाओ, इसके आगे का जंगल सारा मेरा है। उस मुंडी कटी चुड़ैल की बात सुनकर शालिनी उसे सारी बात बताती है जिसे सुनकर मुंडी कटी चुड़ैल कहती है, अच्छा तो यह बात है, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। थोड़ा सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, वहां पर एक बहुत पुराना भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन पर कई सारी सुनसान ट्रेनें खड़ी है, तुम उन ट्रेन में से किसी को भी अपना घर बनाकर रह सकते हो। मुंडी कटी चुड़ैल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी किसी एक चुड़ैल बहू का खून पीना है। उस मुंडी कटी चुड़ैल की बात सुनकर पांचों चुड़ैल बहुएं उनके पास जाती हैं और उनके हाथ में रखी उनकी मुंडी को किसी फुटबॉल की तरह मारकर बार बार खेलने लगती है और आखिर में उसकी मुंडी को एक पेड़ की टहनी पर बांध देती है। यह क्या किया तुम पांचों ने, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। इतना करके पांचों चुड़ैल बहुएं अपने पूरे भूतिया परिवार के साथ आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उन्हें वो भूतिया रेलवे स्टेशन मिल जाता है जहाँ पर ढेर सारी ट्रेनें खड़ी होती है। शालिनी अपने पांचों भूत बेटों और पांच चुड़ैल बहुओं को लेकर उस ट्रेन के पास चली जाती है। चलो बहुओं अंदर चलो।
ऐसे कैसे माँ जी? आपने तो हमारा गृह प्रवेश किया ही नहीं, हमारा गृह प्रवेश तो करिए। अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं की गृह प्रवेश की बात सुनकर चुड़ैल सास शालिनी पांच कंकाल की माला लाकर अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं के गले में डाल देती है। अरे वाह, ये तो ब्रांडेड कंकाल की माला है, मुझे तो कब से ये माला चाहिए थी। इसे मैंने खास तौर पर तुम पांचों के लिए ऑर्डर करके कब्रिस्तान से मंगवाया है। अब मेरी बदसूरत चुड़ैल बहुओं, इस भेड़िये की खून भरी थाली में अपना हाथ डुबोकर इस चेन पर छाप दो। पांचों चुड़ैल बारी बारी उस खून के अंदर हाथ डुबाकर चेन पर उसकी छाप छोड़ने लगती है, जिसके बाद अब शालिनी अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं के सामने राख से भरे पांच कलश को रख देती है। इसके अंदर हमारे शैतान के शैतानों के शैतान के देवता की राख है, इसे अपने बाएं पैर से गिराकर अपने इस चेन ससुराल के अंदर प्रवेश करो। पांचों चुड़ैल बहुएं अपने गृह प्रवेश के बाद अपने अपने भूत पतियों के साथ ट्रेन के अलग अलग डब्बे में जाकर बैठ जाती है। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जबान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ओ मेरी जाने मन, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। याद है मुझे वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार शादी में देखा था, तुम्हारे ये काले काले होंठ, सफेद जुओं से भरे ये बाल, चेहरे पर ये झलकता बदसूरती पना देखा था, इन्हीं पर तो मेरा दिल आ गया था। छोड़िए जी, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, अब ना मुझे शर्म आ रही है। जहाँ एक तरफ ट्रेन के डब्बे में रजनीश भूत अपनी चुड़ैल पत्नी शिप्रा को गाना सुनाते हुए उसकी तारीफ करा था, वहीं दूसरी तरफ ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, हरे हरे सांप की ये कड़वी कड़वी जलेबियाँ, तुम्हें ये पसंद है ना? हाँ, लेकिन यह आपको कैसे पता? वैसे मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये देखिए, मैं खास उल्टी पैरों वाली चुड़ैल को अपने हाथों से मारकर उसका खून इस बोतल में इकट्ठा करके लाई हूँ, इसे पीने से आपकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही पांचों भूत और चुड़ैल डरावनी भरी बातें करते हुए अपनी सुहागरात की रात गुजार लेते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, वैसे वैसे पांचों चुड़ैल बहुओं को अपने ट्रेन ससुराल में रहने में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। आह, मेरी पतली कमर, जब से इस ट्रेन ससुराल में आई हूँ तब से चौथी बार ट्रेन की सीट से गिर रही हूँ। ट्रेन की सीट पर सोने की वजह से आए दिन कोई ना कोई चुड़ैल बहू गिरती ही रहती थी। सबसे पहले मैं इस शीशे के सामने आई हूँ, तो तैयार भी सबसे पहले मैं ही होंगी। तू तो पहले से ही इतनी बदसूरत और इतनी ज्यादा गंदी है, और कितनी ज्यादा बदसूरत बनेगी, अब ना हमें भी बदसूरत बनने दे। शीशे के सामने तैयार होने वाली बात को लेकर पांचों चुड़ैल बहुओं में अब लड़ाई शुरू हो जाती है। पांचों चुड़ैल बहुएं एक दूसरे की बाल पकड़कर खींचने लगती हैं, और तो और एक दूसरे का हाथ भी उखाड़ देती हैं, और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। कल मैंने खाना बनाया था, आज तुम दोनों की बारी है। हमने भी तो दो दिन पहले ही खाना बनाया था, आज हमारी बारी नहीं है, इसकी बारी है, यह तो कभी भी खाना नहीं बनाती है। आए दिन पांचों चुड़ैल बहुओं में ट्रेन के घर में रहने की वजह से घर के कामों को लेकर कोई ना कोई बहस छिड़ती रहती, जिससे उनकी चुड़ैल सास शालिनी अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, मैंने इतनी मुश्किल से अपने ट्रेन के एक हिस्से को इतना ज्यादा खूंखार और डरावना बनाया था, चारों तरफ खून फैलाकर जानवरों की मुंडियां काटकर मैंने लगाई थी, लेकिन तूने सब कुछ साफ कर दिया, क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है, समझी गंदी चुड़ैल। अरे अरे, क्या हुआ तुम पांचों को, अब किस बात पर लड़ाई हो गई तुम्हारी? माँ जी, इस अमृता चुड़ैल ने इस ट्रेन के एक खूंखार और डरावने हिस्से को साफ करके रख दिया, यही सब तो हम चुड़ैल बहनों की असली पहचान है ना? अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं की लड़ाई से अब शालिनी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब उसने अपने पांचों भूत बेटों से इस बारे में बात की। अब बहुत हो गया, मैं इन पांचों चुड़ैल बहनों को इस तरह से लड़ता हुआ और नहीं देख सकती, यह सब सिर्फ इस ट्रेन की वजह से हो रहा है। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें इसका कोई ना कोई तो तोड़ निकालना ही होगा।
पांचों भूत भाई मिलकर काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं और जल्दी जल्दी अपनी पांचों चुड़ैल पत्नियों के लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं, जिसमें अब हर एक चुड़ैल बहू का अपना खुद का अलग कमरा होता है, जिससे अब उनके बीच में कभी भी किसी चीज को लेकर बहस नहीं होती और अब यह सारा भूतिया परिवार हंसी खुशी साथ साथ रहने लगता है।